राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीव लाइफ विद पुनीता। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं डिनर ब्लॉग में आप सभी के लिए होटल जैसी मेथी मटर मलाई की रेसिपी लाई हूं। फ्रेंड्स, इसे एक बार ट्राई करिएगा, बिल्कुल होटल की तरह ये लगेगी आपको। और मैं इसे घर के ही इंग्रेडिएंट से मैंने इसे बनाया है, मैं बाहरी कोई भी चीज़ में ऐड नहीं की हूँ। जितने भी सामान मेरे पास घर पे थे, मैं उन्हीं में इसे बनाई हूँ और ये बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने अपनी मेथी को साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे 3 से 4 बार वाश करूँगी, अच्छी तरीके से वाश करूँगी ताकि इसमें मिट्टी के जड़ा से भी अंश ना रह जाए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैंने लहसुन और प्याज को पील कर लिया है, साइड में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये मेरी मेथी है, मेथी के लीव्स है, इसी में मैं बारीक बारीक कट लगाऊंगी। फ्रेंड्स, इसे मोटी मोटी कट मत लगाइएगा, क्योंकि इस रेसिपी में हमें जो मेथी है वो बारीक बारीक ही चाहिए होती है। और इसे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह बारीक बारीक आप कट लगा लीजिए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैं जो लहसुन और अदरक है उसे साइड में धुल के रख दूँगी, और मैं प्याज को धुल के बारीक बारीक कट कर लूँगी। और मैंने ज़्यादा प्याज नहीं लिए फ्रेंड्स, सिर्फ छोटे छोटे 3 प्याज ली हूँ मैं। और फिर इसे भी मैं थाली में एक साइड में रख दूँगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैं जो मेरे मटर हैं उन्हें भी वाश कर लूँगी, और अदरक और लहसुन का मैं एक दरदरे टाइप का पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं फ्रेंड्स, थोड़े दरदरे टाइप के ही मैं इन्हें खल्लड़ में कूट लूँगी। अब फ्रेंड्स, मैंने अपने गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई गर्म होने तक का इंतज़ार की हूँ। इसमें मैंने 2-3 चम्मच बड़े चम्मच से मैंने तेल डाला है, और जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं फ्रेंड्स, थोड़े टाइम ही 1-2 मिनट तक भून लूँगी, ताकि जीरा जो है वो जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन दिखे। फिर इसमें मैंने प्याज और जितना भी तीखा आप पसंद करते हैं फ्रेंड्स, आपको अगर लाल मिर्चा पसंद है तो लाल मिर्च, नहीं तो हरी मिर्च आप डाल के इसे भून लीजिए। और इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, दरदरा पेस्ट कुछ इस तरह फ्रेंड्स। अगर ये पक जाए तो जो मैंने महीन महीन टमाटर को कट किया था उसे मैं डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, ये स्लो टू मीडियम फ्लेम में पकेगा फ्रेंड। इसमें मैंने नमक ऐड किया, हल्दी ऐड की, और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। तीखा वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये आप तीखे के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं फ्रेंड्स धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में इसे मैं ढक के रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, कि ये जो टमाटर है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और ये एक मसाले की तरह मसाले के फॉर्म में आ जाए। तेल छोड़ दें, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। मैं इसमें अब मटर को ऐड कर दूँगी और इन्हें भी मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, अगर मटर को आप कुकर में पकाते हैं तो कम समय में पक जाता है, मैं नहीं पकाई, मैं कढ़ाई में ही पका रही हूँ, इसकी वजह से ये मटर पकने में काफ़ी टाइम लग गया था। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैं रोटियों को बना रही हूँ ताकि मेरी इधर सब्जी बन जाए, उधर रोटी भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन का बटन है फ्रेंड्स उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मटर को चेक किया कि मेरा मटर पक गया है, पर वो अभी नहीं पका था, क्योंकि इस समय के जो मटर हैं वो सॉफ़्ट नहीं होते हैं, थोड़े वो मतलब हार्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से इन्हें पकने में टाइम लगता है। और मैं भूल भी गई कि मैं इसे कुकर में 1-2 सीटी लगा के मैं इसमें ऐड करूँ। अगर मैं इन्हें कुकर में पकाई होती फ्रेंड्स तो ये जल्दी पक जाते। और इसी वजह से फ्रेंड्स, जो मेरी ये मटर है, मटर पकने में काफ़ी समय लग गया था, मेरी सारी रोटियां बन गई पर मेरे मटर बहुत टाइम के बाद पके। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरी रोटियां भी कंप्लीट हो गई, मेरी रोटियां भी पक गई हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, पर मेरी मटर जो है वो पूरी तरीके से नहीं पकी थी इसकी वजह से। लेकिन मैंने अब इसमें मेथी को ऐड कर दिया था, क्योंकि मेथी भी पकेगी, 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे इन्हें पकाने में, थोड़े से ही मटर रह गए थे पकने के लिए, फिर इसी वजह से मैंने इसमें मेथी को भी ऐड कर दिया। और मैं मेथी को अच्छी तरीके से मटर में मिक्स कर रही हूँ,
और इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और मैं उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। और मैंने मलाई को पहले से फेंट के रखा था फ्रेंड्स, ये घर की मलाई है और इसे भी मैं अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर दूंगी मेथी मटर के साथ में इसे। और इसे स्लो फ्लेम में जितना थिकनेस इसकी चाहिए फ्रेंड्स आपको, जितना आपको थिक या खाना हो ग्रेवी उसी हिसाब से आप इसे मोटा पतला कर सकते हैं। और अब मेरी जो मेथी मटर मलाई है फ्रेंड्स वो पक चुकी है, बस मैं इसे अच्छे से एक बार इसे मैं चला के रख दूंगी और अपने बच्चों को खाना लगा दूंगी। मेरे बच्चों को मेथी मटर मलाई बहुत पसंद आई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड नाइट।